Please subscribe and share my channel SSV Entertainment with your friends. दोस्तों शब्दों की कहानी प्रोग्राम में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का शब्द है इश्क। ये शब्द संस्कृत भाषा के शब्द चिपकू से आया है। इश्क का मतलब होता है किसी चीज़ से चिपकना या पीछे पड़ जाना, किसी चीज़ के साथ लटक जाना या किसी के साथ जुड़ जाना। किताबों के अनुसार एक पीले रंग की बेल होती है जिसे कई बूटी भी कह देते होंगे, उसको आप किसी भी पेड़ पर या किसी भी चीज़ पर डाल दो तो वो उसी से लिपटकर खुद तो फलती फूलती रहती है पर उस चीज़ को मार देती है। इसको इश्क कहा गया है। जैसे कहते हैं ना इश्क पेचा, तो यही है ना इश्क का असली पेचा। इस बेल को आकाश बेल या कई अंबर बेल भी कह देते हैं और कई अमर बेल भी कह देते हैं। तो दोस्तों इश्क आदमी को निकम्मा कर देता है। मुझे ऐसा लगता है कि इश्क नहीं होना चाहिए, प्यार या मोहब्बत होनी चाहिए। वो आप किसी से भी कर सकते हो, अपनी बीवी से, देश से, अपने आप से, धरती से, पानी से, पेड़ों से, जिससे दूसरों को भी अच्छा लगे। ना कि इश्क में आप तो मज़े लें पर दूसरे की जान ही चली जाए, या फिर आप जिस भी भगवान, रब या फिर अल्लाह या खुदा को मानते हो उससे मोहब्बत करो तो थोड़ी अकल भी आए कि ये दुनिया उसी ने बनाई है, हमें इसका ध्यान और देखभाल रखनी चाहिए, तभी तो वो खुश होगा। तो दोस्तों ये था आज का शब्द इश्क। तो अब आज का शेर सुनने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए ताकि हम आपको और शब्दों की जानकारी भी दे सकें। तो चलिए दोस्तों आज का शेर गालिब जी का लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है, इश्क ने गालिब को निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।